नगर परिषद इंदागढ़ द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे मिशन नगरोदय कार्यक्रम के तहत शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बधौलिया मुख्य अतिथि रहे। जिलाध्यक्ष बधौलिया के द्वारा मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना के द्वितीय चरण में ग्वालियर रोड पर 3,10,00,000 से नवनिर्मित आदर्श दालमिल रोड का लोकार्पण तथा इसी योजना के तहत भांड रोड पर रोड के दोनों साइड 111,23,00,000 की लागत से बनने वाले नालों का किया शिलान्यास। जिलाध्यक्ष ने नगर के विकास के में समस्त नगरवासियों से अपनी अपनी यथासंभव मदद करने की अपील की। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सियौड़ा SDM व नगर परिषद प्रशासक अनुराग निगवाल ने नगर के 60 वर्ष पूर्ण कर चुके वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर बीमारी से ग्रसित 45 वर्ष से अधिक आयु वाले सभी व्यक्तियों से कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने की अपील की, जिससे प्रदेश में पुनः एक बार वापस अपने प्रकोप में फैलने वाली कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश को बचाया जा सके। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा आवास व अन्य हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में बीच में ही 3 बजे से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट बड़ी LED स्क्रीन पर सभी को दिखाया गया। आज नगर परिषद इंद्रगढ़ में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? आज नगर परिषद इंद्रगढ़ में शासन की मंशानुसार 2 विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सबसे पहले आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो कि 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, उसके 75 सप्ताह पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव का आयोजन माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के आह्वान के बाद शुरू आज किया गया। उस क्रम में माननीय महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमाओं पर जो है माल्यार्पण किया गया। इस तरह से इस आयोजन का समापन किया गया। दूसरा जो कार्यक्रम था मिशन नगरोदय, मिशन नगरोदय के अंतर्गत 500 करोड़ रुपये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक सिंगल क्लिक पर निकाय में ट्रांसफर किए गए, जिनसे विकास कार्य किए जा सकेंगे। कुछ कार्य इंद्रगढ़ निकाय में भी, जैसे मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 2 में दालमिल रोड का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका लोकार्पण आज माननीय जिलाध्यक्ष भाजपा सुरेंद्र बधौलिया जी ने आज किया, फीता कटकर उसका लोकार्पण किया। दूसरा एक कार्य है मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना फेज 3 के माध्यम से भांडर रोड पर रोड के दोनों ओर नाला निर्माण कार्य, जिसकी लागत 1,10,00,000 रुपए है, का शिलान्यास भी किया गया। धन्यवाद।